सामने होकर कटेंगे। अंदरों लगे केड़े एक ओ लगा के मादी केड़ी नसल दी यार चिट्टी चिट्टी चल डुबके पावे ये बारू लग गए ये की पता लग गया बारू लग गए ये डोर को पता लग गया है ये नवी नसल का बटेर है वाकया ये नसल लगी कान लगी कैडी नसल लग रही इत्थ वाला बटेरा निकल गया एक लग गया बारू लग गए बारू मोटे हाँ एक ही दिन साले सुरखा है सुरखा हाँ खास सुरखा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सजाद महमूद और आप देख रहे हैं पीके विलेज लाइफ। पीके विलेज लाइफ की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद जी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आए हुए हैं जंगली बटेरे के शिकार के लिए और हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल, जिनसे हम बात भी करेंगे। वो सामने आ रहे हैं। सुबह सादिक का टाइम है, आप देख रहे हैं अभी तक सूरज तलू नहीं हुआ, तो हम सुबह तकरीबन 4:30 बजे के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रात को हमने टेप चलाई थी लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला बन गया था, बैटरी डेड हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा शिकार आज अच्छी तरह से नहीं लगा है। लेकिन फिर भी शुक्र है 3 बटेरे हमने पकड़े हैं। तो इस्माइल मसाद से हम पूछते हैं कि सुनाएं कैसा हाल है और आज का दिन कैसा रहा आपका। अस्सलाम वालेकुम मसाद, क्या हाल है? खैर तबीयत से ठीक है। सुनाएं ये आप कब से काम कर रहे हैं ये बटेर पकड़ने का? 1.5 साल हो गए। तो ये जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है इस पे आपने कितने पैसे लगाए हुए हैं? 22-23 हज़ार लगाए हुए हैं। तो अच्छा आप ये बताएं, इस सीज़न में जब आप बटेरे पकड़ने लगे हैं तो अभी आपको कितने दिन हुए हैं? 1 माह हो गया है। तो ये जो बटेरे होते हैं ये मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं या एक ही नस्ल के होते हैं? एक ही नस्ल के होते हैं या अलग अलग नस्लें होती हैं इनकी? अच्छा अलग अलग नस्लें होती हैं।
तो आप हमें ये बताएं कि जब आपने 2 माह पहले आज से ये काम शुरू किया है, तो पहले पहले कौन सी नस्ल यहाँ पे सही अच्छी तरह से लाग रही थी? चीटा बटेर। तो अभी किस नस्ल का सीजन चल रहा है? सुरखा। सुरखा और दोगला दोनों किस्में चल रही हैं। तो जो आज हमने बटेरे पकड़े हैं, इनमें से नार मादी कितने हैं? दो नार हैं और एक मादी है। और आप ये बताएं कि इनमें कौन सी नस्ल है ये अभी जो आपने पकड़ी है? अच्छा अच्छा तो ये यहीं पे रहने वाले बटेरे हैं या सफरी हैं? दो रिहायशी हैं जो कि इधर रहश कर यहाँ के बच्चे निकले हुए हैं। अच्छा, तो अभी आगे कौन सी नस्ल का सिस्टम आने वाला, मतलब सीजन आने वाला है? 2 महीने बाद चिणगा। और वो काला बटेरा, उसका टाइम क्या होता है? काला बटेरा जो होता है चिणगा, उसको बोलते हैं। अच्छा, तो ये जाल जो आपने लगाया, ये तो आपने सफेद जाल लगाए हुआ है, तो इससे बेहतर भी कोई जाल है जो अगर आप लगाएं तो अच्छा कारोबार कर सकते हैं? सब्ज। अच्छा, तो ये सफेद की निस्बत जो सब्ज है जाल, वो अच्छा रहता है, उसका क्या फायदा है? अच्छा, उसकी उम्र ज्यादा होती है, पुख्ता ज्यादा होता है, और वो बटेर को नजर नहीं आता इसलिए। ठीक है, ये ओवरव्यू देखने के साथ इसका ना मिक्स हो जाता है, मतलब कि नज़र नहीं आता इसमें, बटेर का शिकार ज़्यादा लगता है। सही है। तो अच्छा, तो आप जो ये जो बटेर पकड़ रहे हैं, ये आपका अपना कारोबार है या शौक है? शौक है। ये जो आपने लगाए हुई हैं, ये डंडे लगाए हुए, इनका दरमियानी फासला कोई तय होता है या छोटा बड़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं है? 10 करें यानी कि। इनमें जो झोल डालते हैं वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, उसके क्या मसला है, किस लिए कम होनी चाहिए? बटेर के जब पाँव नीचे लग जाते हैं तो वो जाल से निकल जाता है। ठीक हो गया, अच्छी बात है। चलो वीडियो। अच्छा, तो मसात आप ये बताएं कि ये रात को आप कौन सा जो है आवाज इसका लगा के जाते हैं? तेज पतला। 30 तेज पतला। अच्छा, तो सुबह सुबह जब आते हैं तो फिर आप वो चेंज कर देते हैं, तो स्पेशल। उसके बदले आप स्पेशल लगाते हैं। तो ये तो आज आजकल की रूटीन हो गई, तो आज से 1 माह पहले ये सिस्टम चलना है, इसी रूटीन के साथ चलाते हैं या रूटीन चेंज होती रहती है? ये चलना है। और इससे आगे? अच्छा, जब चिणगे का सीजन होता है उसके अलावा बाकी सब सीजन में ये चेंज होती रहती है। तो कितनी एक हैं ये आवाज़ें तकरीबन आपके पास जो मौजूद हैं? 1, 2, 3 कितनी हैं? 4। 4 आवाज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपको उनके उनके नाम बता दें। तरी तेज, तरी मोटा, 88 तो स्पेशल। 30 तेज, 30 मोटा, 88 और स्पेशल। तो ये आजकल 4 आवाज़ें चलती हैं। हाँ सही हो गया, सही बात है।